मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूं शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरे, There is no way guys। सो गाइज, किंग वर्सेज एमवीए बीफ का थर्ड ट्रैक आ चुका है जिसका नाम है डिपेंडेंट कौवे। तो गाइज, मुझे जितना पता लगा है कि ये वाली बीफ यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि किंग ने स्टोरी डाली है रात को ही कि वो इस बीफ से हट रहे हैं। भाई किंग ने भाई एल मूव ले लिया है एक, क्योंकि सारे इल्जाम डाले भाई इंटरव्यू में, वो बोला पीछे हट रहे हैं। और भाई उसमें इतने ज़्यादा अजीब चीज़ें लिखी है ना स्टोरी में, तुम क्या ही बोलो। सो गाइस, तो इस ट्रैक को देख लेते हैं कैसा है। मैंने शुरुआत का थोड़ा सा सुना तो मुझे बीट इसकी पता है कैसी है। सो 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। हाँ, ये वाली बीट सुनी थी मैंने, काफी कैची बीट है। बस इतना सा सुना था मैंने। मजाक चालू है भाई, क्या बोलते नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। नमस्ते मम्मी जी बाबू। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक, फिर से दिला रहा काई को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खस। आई नो लजा बेहतर क्योंकि आया तू। मुझे पता था कि एमवीए ये वाला काउंटर लेगा भाई, क्योंकि मैंने महीप की जितनी वीडियो देखी है उसमें ये वाला था। एक कंटेस्टेंट आया था, उसने बोला था मेरी मम्मी ठीक है, तो महीप जी ने बोला था आई नो। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इस वाले जोक का कोई भी काउंटर नहीं है, कुछ भी बोलो बस चुप रहोगे तो वो काउंटर है। रीच है नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से, खुद के पैरों पे नहीं चल सकता कौवे, बिन्ने आरा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। ए सही है, सबका फीट है मतलब एफ फीट, मतलब जब बैल आया था ना इसलिए फीट है, और पैर भी दूसरा भी मान लो तुम, किसे किसी और के पैर चाहिए चलने के लिए। इसका बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तुम मुझसे भारी बहता नहीं, सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने, मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया, क्या रे जामुन बता किसका साबुन स्लो है, विम बार दूंगा धोने के लिए। भाई क्या एडलिब डाल के रखे हैं, मैंने पीछे बोल रहा है गड़दुल्ले। बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर, तू ना बर्तन शोर कर रहे हैं, रखा मैंने पेशेंस से कौवे तू नहीं है आसपास, किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में, ये झंडे ओनर है दो राज ले खोल दिया राज, बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, ओवर ओनर है, माइक पे आके झाटू बातें बोल दी, सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती, आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। भाई एमवीए बोल रहा है मुंह दूंगा तेरे भी तो सीधा नायब हो जाएगा, व्हाट द फक। और एटलिप सुनो यार तू पहले, तो कोई और लेके जा रहा है दोस्ती, आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा, मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूं शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरे, There is no way guys। अभी मैंने नहीं बोला भाई ये। हाँ वैसे इस वाले बीफ में शुरुआत से चला हुआ था सांवला सांवला, मतलब चला हुआ था, किंग ने भी पिछले ट्रैक में बोला था सांवला कुछ है सही, मुझे इतना याद नहीं है, पर ये वाली लाइन थी कुछ, पर एमवीए ने रिप्लाई किया है मुझसे ज्यादा सांवला, ब्राइटनेस कम करो कर तो गायब हो जाए, मुझ दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा, मुझसे सावला तू बोल रहा है, भाई वीडियो में कम करूं शक्ल, ब्राइटनेस भी कम हुई, सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया, तभी तो वो लोग आया है वीडियो में, किया कौन सजा रहता नहीं मैं सजा देता चंगा, और नट का मेरे बैक पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्न, घुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा भी ब्रेक का वो लेवल मेरा भाई, इंस्पायर हो आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो अमित का अचीवमेंट, निपल गया तेरा भाई, वार्निंग दिया टीका ने गलती। ओके मतलब जूस से इंस्पायर होके मेरा भाई आर्टिस्ट बना, और तेरा भाई तो बस नेपाल गया, नेपाल गया बस, वही मतलब
उसमें कुछ इंटरनेशनल वाली बात थी शायद यार वीडियो में किंग वाली की, और बोला तेरा भाई तो बस नेपाल तक गया है। उसी जगह बीट क्रेजी है भाई, किसने प्रोड्यूस किया ये? तू फसल गया, मैं लंदन विम्बली अरेना मचाया जब तू हसल गया। तेरे ऐसा नहीं, मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। भाई माइकल जैक्सन का आओ कौवे की आवाज में फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ। हाँ भाई इस मजे लेने के मूड में तो हो, सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं सिंगिंग भाई। दोबारा से सुनना चाहता हूँ, मैंने सही सुना है ना? मुझसे ये भरे हुए तेरे जैसे बहुत सड़े हुए तूने चुराया सावला। अच्छा मुझ काले तू कौवे। सांवले वाली लाइन तो थी पर सीधा भाई काले कौवे। खाली पोयम गारा तू हरा तू रैप कर पारा नहीं कौवे। इसकी यार वीडियो आनी चाहिए यार एमवी। अफ्रीका पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा, नहीं मैं अफ्रीका असलियत मालूम सबको, ज्ञान ना दे तू यहां फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका, राका तरीका। मुंबई में सब फायर में दिया एक एक बार काउंटर, टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में 7 मिलियन डॉलर, मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यैप, बिलीव का स्टोरी ने दिया एएसडी का आंसर, तू खाली झूठ बोलता मैं। वैसे यार किंग को काफी बड़ा एल मिला क्योंकि उसने सारा टॉपिक ही ये उठाया था कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो बाद में वो पलट गया, बाद में वो बोल रहा है कि मेरी स्ट्रीम्स ज्यादा हैं बिलीव के ऊपर। किंग ने ये बीफ करके गलती की। इंडिपेंडेंट नहीं यू बोला प्रूव तो तू कर, यहां पर टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट, बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट, हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा, केओटीएस मारा कौवे 100 मिली हिट, सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है, फिर काय का कौवे इंडिपेंडेंट हिट, सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू गड़दुल्ले, गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग, अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने कांप रहा है, किसे है सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है, मुजाना अरे बाप रहा है, कौन सा रियल है खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है। हाँ भाई ये भी थी। फिर पिछले वाले ट्रैक में किंग ने बोला था कि हाशिरा और मुजान रियल नहीं है, तो भाई तुमने क्यों बोले फिर, तुम्हें क्या बोलने की जरूरत थी? लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे, कुछ भी लिखने लग रहा कौवे हो गया तू भावड़ा है, मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बीट स्विच, खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला डार्क फावड़ा है, ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते, इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन हो के, मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है आत्मा, अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म हो के। भाई एमवे जीत गया भाई इस जीत को, नो डाउट, तुम किसके भी फैन हो किंग के फैन क्यों ना हो एमवे जीत गया, लगा पहले ट्रैक से जीत गया था वो, तो गाली भी आएगा और तुझे गाली देगा, नहीं आएगा गाली नहीं, उसका इतना गंदा सीरत है तो ये फैक्ट है, मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है भाई। किंग को एक
और एल मिलता हुआ, क्योंकि उसने अपने पिछले सॉन्ग्स में बोला था तो मैं लड़कों की जरूरत है, फिर अगले ट्रैक में बेला के साथ आ गया लड़के लेके। कुछ है और है भाई, एमवी तो भी हार्डकोर वाइब में गया भी नहीं, बस एक ही सॉन्ग था हार्ड वाला भाई साहब। 8 घंटे में 8 लाख व्यूज हो चुके हैं और गाइस क्रेजी। मेरे लिए तो भाई एमवी जीत चुका है। मैंने सुबह देखी कि किंग ने स्टोरी डाली थी भाई, उस स्टोरी को देख के पता लग रहा है कि किंग ने कितनी जबरदस्ती मतलब ऐसे ही लिखी है अपने आप को बचाने के लिए कि ये है वो है ये मैनिपुलेटर है इनसे मैं बीफ नहीं कर सकता। भाई तो तुम आए, शुरुआत तुमने की, उंगली तुमने की और फिर भाग गए पीछे। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये बीफ कौन जीता है। और गाइस आप बताना कमेंट सेक्शन में किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना हो। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।